Market Monster. मार्केट मंत्रा ब्रॉट टू यू बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome to this Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार। Government says no service charge applicable on 60 crore basic savings bank deposit accounts, including more than 41 crore Janadhan accounts. Equity benchmarks log gains amid jump in global stocks. Sensex regains the 40,000 mark. Nifty reclaims the 11,800 level. And stocks across Asia and Europe surge as improving global factory activity data boosted investor sentiment. सरकार ने कहा 41 करोड़ से अधिक जनधन खाते सहित देश के 60 करोड़ से अधिक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट पर कोई सेवा शुल्क लागू नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी लिवाली तेज। सेंसेक्स इस बार फिर से 40,000 के स्तर से ऊपर पहुंचा। निफ्टी 11,800 के आंकड़े को कर गया पार। और दुनिया भर में फैक्ट्री उत्पादन आंकड़ों में सुधार से निवेशकों का उत्साह बढ़ा। एशिया और यूरोप के शेयर बाजारों में दिखी अच्छी खासी तेजी। सरकार ने कहा है कि 41 करोड़ से अधिक जनधन खातों सहित देश के 60 करोड़ से अधिक बुनियादी बचत बैंक खातों पर कोई सेवा शुल्क लागू नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक सेवा शुल्कों में वृद्धि कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि शुल्कों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मंत्रालय के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस महीने से प्रतिमाह निःशुल्क नकदी निकालने और जमा कराने की बारंबारता के बारे में कुछ बदलाव किए थे। इनके तहत हर महीने निःशुल्क नकदी लेन देन की बारंबारता 5 बार से घटाकर 3 बार कर दी गई थी। मंत्रालय के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया है कि उसने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बदलाव वापस लेने का फैसला किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य बैंक ने हाल में कोई शुल्क नहीं बढ़ाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों को अपनी सेवाओं के लिए उचित, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से शुल्क लगाने की अनुमति है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने जानकारी दी है कि कोविड महामारी के मद्देनजर निकट भविष्य में सेवा शुल्क बढ़ाने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है। इस खबर पर चर्चा के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं उदयन को। उदयन जी, हाल में कई अखबारों में यह खबर आई, कई मीडिया हाउसेज द्वारा खबर दी गई कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो अपनी सेवा शुल्क में बढ़ोतरी कर रही हैं। सरकार का जो ये स्पष्टीकरण है, ये क्या है और किन बैंक खातों पर लागू होगा? और सरकार जो कह रही है कि 60 करोड़ बचत बैंक, बुनियादी जो बचत बैंक खाते हैं उन पर कोई सेवा शुल्क लागू नहीं है, इस स्पष्टीकरण के संबंध में आपकी टिप्पणी हमें चाहिए। देखिए मनोज, ये काफी कुछ जो आपके जो निजी क्षेत्र के बैंक थे उन्होंने काफी अपनी जो नियम है उनमें काफी ज्यादा तो नहीं, कई जगह में उन्होंने संशोधन किया है, रिफॉर्म किया है,
चेंज किया है और वहां पे कई जगह में चार्जेस बड़े हैं, चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी कम फ्री जो मिलता था उस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में कमी की है, तो बहुत भारी फेरबदल तो नहीं हुआ है, कई चीजों में आपको देना पड़ रहा था। अब सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे कि हम जानते हैं वो अभी भी ज्यादातर जो बैंक ग्राहक हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही बैंकिंग करते हैं और काफी जो है कमजोर तबके के जो जिनकी आय उतनी ज्यादा नहीं है उनके अगर आप कैश विड्रॉल मतलब नगदी का निकालने और डिपॉजिट करने में अगर आप उस वहां पे चार्ज लगा देते हैं, वो भी ऐसे माहौल में जो कि अभी पिछले छह सात महीने से चल रहा है, तो ये काफी ज्यादा बोझ पड़ जाता। तो इसलिए ये इसको इससे पहले कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो हैं इसके ऊपर कुछ अमल कर सकें, गवर्नमेंट ने सरकार ने इसमें पहले क्लैरिफाई कर दिया। मनोज, टिपिकली ये जो चार्जेस शुल्क जो बढ़ाए जाते हैं वो इसलिए होते हैं कि बैंकों के खर्चे बढ़ रहे हैं किसी वजह से, अगर पीछे भी हमने देखा है तो वहां पे जो फ्री ट्रांजैक्शन होता है, जो फ्री मान लीजिए विड्रॉल हुआ, एटीएम से विड्रॉल हुआ या कुछ हुआ, वहां पे आप कह देते हैं कि इतना फ्री है, इसके बाद आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा, या कहीं और जाके आपने कुछ किया एक्स्ट्रा किया तो एक सर्टन लिमिट तक फ्री है या उसके बाद चार्ज होगा। तो इससे क्या होता है कि बैंक के ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है इन चार्जेस से, वो लोग ये तरीका बन जाता है रिकवर करने का। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे बैंक प्रेशर में तो हैं और ये तरीका उन्होंने शायद सोचा होगा कि वो थोड़ा सा रिकवर कर लें ग्राउंड। तो ये अच्छी बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है इसके ऊपर अमल नहीं करने वाले, जो कि अच्छी खबर नहीं है। Uden, good evening. This particular story that Manoj just read out, BSBDA accounts have been in existence for over a decade now, and the PMJDY account, also known as the Janadhan accounts, have been in existence for close to 5 years now. We get listeners who call into our call-in editions of Market Mantra and they say that, sir, I had a basic service account or a Janadhan account and yet I had some charges debited due to which I lost some money. Now, if a listener has some such problem like that, what should he or she do to redress that grievance? The Reserve Bank of India has got a complaint section in the site. So I presume that most of our listeners of this program would be having some access to the internet through the mobile. So if that has happened, if they can't do it on their own, they can do it through another somebody, a relative or a friend who can get access, then go to that complaint section out there, and depending on what category of financial institution with whom you have a grievance, so in this case it's a bank, so you'll go to that bank section and you'll have to hunt for the place where you can lodge in a complaint and you can keep track of that. Now, typically, once you lodge in a complaint, then you get into the business of trying to solve this problem. Else, the other is to get inside a bank and make a complaint out there. They have their own, they typically have display boards, and where they say that in case of complaint, you can write or communicate with a particular bank authority. There are ombudsmen as well. So depending on how you want it, but in a situation like this where things are tough, you don't want to go to a bank branch, probably this RBI, I think, is something which I would prefer very much, that you go there and, make a complaint. And then once it gets inside the system, RBI is definitely going to ask for an explanation from the bank. Obviously, you'll have to have evidence of, your grievance, some passbook, some record, some mobile communication, something like that. Of course, one step before that would be to make a formal complaint to the bank that, you're not supposed to charge and whatever. You keep a record of that and then go to the RBI. So then it actually moves in a nice little sequence, which you can then follow up and escalate it. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां लगातार दूसरे सत्र में आज तेजी बनी रही है। बैंकिंग, वित्त, धातु और ऑटो सेक्टर की कंपनियों में शेयरों की खरीदारी अच्छी खासी हुई और इसका असर ये पड़ा कि प्रमुख सूचकांक लगभग 1.25% बढ़त में रहे।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 504 अंक यानी 1.27% की बढ़त लेकर 40,261 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 144 अंक बढ़कर 11,814 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी की गई, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.42% लाभ के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.35% की वृद्धि हुई। इक्विटी बेंचमार्क्स टुडे लॉक गेन्स ऑफ अराउंड 1.25% अमिड अ जंप इन ग्लोबल स्टॉक्स। की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज रोज सपोर्टेड बाय सर्ज इन बैंकिंग, फाइनेंस, मेटल एंड ऑटो स्टॉक्स। द बीएसई 30 शेयर इंडेक्स सेंसेक्स regained the 40,000 mark, while the NSE Nifty 50 index reclaimed the 11,800 level. The Sensex climbed 504 points or 1.27% to settle at 40,261. The Nifty also rose 144 points or 1.24% to settle at 11,814. The broader market at the BSE also climbed but underperformed the Sensex. The BSE Mid-Cap Index rose 0.42% and the BSE Small-Cap Index appreciated 0.35%. In the Sensex pack, shares of 21 companies climbed while 9 logged losses. ICICI Bank zoomed 6.5%, SBI Bank jumped 4.5%, HDFC ended 4.3% up and Power Grid gained 4%. NTPC was the top loser with a fall of 3.8%. Reliance fell 1.5% while Nestle India and HCL Tech both lost around 1%. In sectoral indices, 12 out of 19 sectors appreciated. In gainers, BankEx gained 3.2% and finance added 2.9%. Metal gained 2.1% and auto rose 1.6%. On the other hand, realty lost 2.3%, energy fell 1.1% and telecom slipped 0.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as 1410 shares declined, 1,229 shares climbed and 191 remained unchanged. Uden, the date for almost 2-3 months, probably even longer, the one event we've been watching out for or talking about as a major event, upcoming event, is the US elections. And today it's upon us, so hopefully starting tonight the opinion polls, exit polls, results and all start coming in, and probably within a few days the actual results will also come in. What do you anticipate would be the other big event that now after this main event has been laid to rest that the market should look out for? Well, Ravi, that's an interesting point. My sense is the market has already factored in this development. There might be a little bit of movement here and there. I mean, people might get excited for, say, a day or day and a half, but people are going to see this through pretty quickly. But coming back, what is the thing you asked, that what are the things that they'll be looking at? I think what they're going to look for are signs. You know, in the U.S., the Senate, which is the higher house, now there seems to be they could change the majority could change hands in terms of parties. And that becomes critical because there's a stimulus bill that the government could not pass, or generally it could not be delivered. You know, it was a follow up of a stimulus that stimulus package that came in the summer. So that roughly $2 trillion stimulus is waiting. Now if there is a Democratic Party who manages to snag the upper house, which is the Senate, then, you know, and package, there's a lot of talk that happens about the package, then that is what people are going to look for, whether that package is going to happen. When will it happen? It's pretty unlikely that it's going to happen before mid-January, when the new president or the existing president will take office again for the next term. And what will be the broad contours? You know, how will it operate? Who will be the people who will be benefiting? Small businesses, would there be something? So depending on that, because U.S. is such an important engine of global growth, a lot of sentiments, etc., will get determined by that. So while there will not be immediately huge responses to that, but people would be looking for those details, you know, because still in the next 2 months. Uden, we will continue talking about the market and the U.S. impact after a very short commercial break.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 3 पैसा मजबूत हुआ है, 74.41 रूपये के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.57% घटकर 93.59 पर आ गया। उदयन, हम घरेलू शेयर बाजार पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले यानी शुक्रवार को कहें तो मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार। कल भी हमने हल्की तेजी देखी और आज भी 1% से लगभग 1.25% की वृद्धि हमने बाजार में देखी है। बाजार में इस वृद्धि के पीछे घरेलू कारक माने या जो वैश्विक स्तर पर जो कुछ नए ताजा आंकड़े आए हैं अमेरिका से भी, चीन से भी और उसके अलावा कुछ दक्षिण कोरिया से भी और कुछ अन्य स्थानों से भी, विनिर्माण संबंधी की उम्मीद से बेहतर फैक्ट्री उत्पादन हुआ है आंकड़े दर्शा रहे, तो इसमें आज की तेजी के पीछे घरेलू कारक माने या वैश्विक कारक माने या दोनों का मिला जुला असर? मनोज, इसमें मिला जुला ही असर है। और जैसे कि आपने कहा कि चीन से जो डेटा आ रहा है वो बहुत सकारात्मक पॉजिटिव डेटा है, उनका एक्सपेंशन बहुत जबरदस्त चल रहा है। बाकी दूसरी जगह में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो चिंता थी उसके खबरें अच्छी आ रही हैं। जैसे अंतराल से पहले बात हो रही थी, यूएस में इलेक्शन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो के ऊपर अगर जो भी पॉलिसी होगी उसके ऊपर वो भी काफी कुछ डिटरमिन करेगा सेंटिमेंट। तो दोनों ही जो पार्टियां हैं या दोनों ही जो इंडिविजुअल्स हैं जो प्रेसिडेंट के दावेदार हैं वो दोनों ही वहां उस तरफ आगे बढ़ेंगे। जहां तक बात भारत की के बारे में बात की जाए तो हमारे पास बहुत अच्छी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। जैसे GST कलेक्शन के बारे में खबर आई, आपके PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स उसका जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही इम्प्रेसिव रहा है। गाड़ियों की जो खरीदारी है वो पॉजिटिव रही है। इसको ऑब्वियसली सेक्युलर एक ट्रेंड बनना पड़ेगा, इसको कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको रखना पड़ेगा। पर ये कुछ खबरें पहले नहीं थी, आप अगर अक्टूबर में देखें या सितंबर में देखें तो ये कुछ खबरें जो हैं ये ऐसी इस टाइप की खबरें आपके पास आ नहीं रही थी। जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की भी जो थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं, डेटा आ रहा है, वो भी दिखा ये रहा है कि जो डैमेज हुआ था वो फ्रेश डैमेज आपका नहीं हो रहा है और कुछ कुछ हर जगह मतलब सुधार होता चला जा रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव खबरें हैं। बाकी आप मार्केट्स में रिजल्ट्स भी जो हैं आप देख रहे हैं, कई जगह में कई कंपनियां प्रमुख कंपनियों में उनके रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं। एक आध इधर उधर ब्लिप जरूर हो रहा है पर ऑन एन एवरेज ऐसा लग रहा है कि द होल थिंग इज ऑन द मेंड। Uden, there's another event that is event I would say, and another important thing to look out for is day after tomorrow the Supreme Court would be hearing on the banks on the moratorium issue, and many experts believe that would probably go in favor of the banks, although we can't say for sure, we'll know only after 5th. And today the banking sector and the finance sector both took a smart increase probably on anticipation of a positive verdict. What do you see is the outcome that could probably be there, and what would you see the general outlook for the banking and the finance sector? So, I mean, on an average, I think things would be looking up. Eventually the relief that they want to give is something which should not be burdensome. It will be a halfway house. It will not be a complete write-off or unlimited headroom being given to the borrowers. And if you ask me, with the economy on the mend, positive indications coming in, the urgency or the need for giving a complete large handout is also decreasing. So you will find slowly a lot of these allowances that were given a couple of months back, they will slowly they get phased out, and which is actually right.
So coming back to banking, that is also what you will find, that eventually the solution that is going to come is not going to be a huge burden for the banks, which is obviously a concern for investors in banking stocks, that, you know, are we going to get an outcome which is going to be a drag on the bank, and, you know, you the old story starts again. So that I don't think is going to happen. It's going to have a halfway house, and most probably I think most of the market and investors have factored that in, and they probably are unlikely to get a bad surprise. And you had mentioned before the break, we were talking about a unique situation right now, not unique probably, but it's not happened very often, is that you have the Senate, you have the House, which is the bicameral Congress of the U.S., and you have the White House. And currently we seem to be having the Congress, which is split between the Democrats and the Republicans, and the White House obviously with the Republicans. And with the 35 seats which are going for elections today in the U.S., it's quite possible that you might see all these three being controlled by Democrats. And you mentioned there is a $2 to $3 trillion stimulus which could be passed. And if all three are controlled by Democrats and by Joe Biden, it's a possibility that the stimulus could happen faster. Do you anticipate if that happens, if that probability comes true, money to trickle into emerging economies like India? And would that give a fillip to the Indian markets as well? Absolutely, Ravi. That may not immediately, we may not benefit immediately. People might get excited, they might invest more in anticipation, etc. But the actual impact, by the time you actually see it, will be somewhere around January, you know. So till that point, in United States, you're not going to see that impact, you know, maybe the contours and everything, because unlike in our country, they have something called the transition period, where the old administration, hands over, you know, all important information to a new administration, unless it's the same administration taking office again. So that period, actually, there not too much happens, but you will get that information, because investing, you need a lot of information. So you start getting that uncertainty, the apprehension, those things will sort of get cleared. Of course, the exception is that if there is a limbo in the elections and the aftermath, then, you know, you don't get that information very quickly. But by middle of December, you start getting a very good idea how United States is going to be approaching into 2021. उदयन, हम आप ही की बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए समझना चाहेंगे कि यदि मान लीजिए वित्तीय प्रोत्साहन अमेरिका में दे दिया जाता है और तेज गति से ही दिया जाता है, तो भारत यानी जो उभरता हुआ बाजार है, वहां किन क्षेत्रों में यह निवेश हो सकता है और किन क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मनोज, ये आपके फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो दिलचस्पी लेंगे. और अगर एक एक जैसे कि IMF ने कहा है, मेरे ख्याल से पिछले एक या दो दिन में ही कहा है, कि अब जो है दुनिया भर में मॉनेटरी पॉलिसी की एक लिमिट, जो इफेक्टिवनेस है, एफिकेसी, उसकी एक लिमिट आ गई है. इसके बाद अब फिजिकल साइड से लोगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा. इसका मतलब गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है स्मॉल बिजनेस को, कहीं और चीजों में दे रही है. तो उस वजह से जो एक्स्ट्रा जो कैश आएगा इकोनॉमीज में, वो आपके पहले स्टॉक मार्केट के थ्रू या फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हमारे यहाँ आएगा. मान लीजिए हमारे डेट मार्केट्स में, हमारे इक्विटी मार्केट्स में, वो उस पार्टिसिपेशन से आएगा. उसके बाद जो दूसरी जो चीजें हैं पॉलिसीज के हिसाब से, नई सरकार की पॉलिसी के हिसाब से, कंपनीज के जो प्लान्स में, उसके हिसाब से वो होता रहेगा. मनोज, ये एक बात ध्यान दिलाने लायक है कि जो बड़े कंपनी होते हैं वो एक इलेक्शन के एक अपने कंट्री के इलेक्शन के इवेंट के ऊपर अपने प्लान्स नहीं बनाते हैं. वो 5, 6, 7, 10 साल के हिसाब से प्लान बनाते हैं और एक कंट्री को अपने मैप में लेके आते हैं. तो जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनके बारे में हमने कुछ महीने पहले देखा, उससे ये इलेक्शन या दूसरे जो डेवलपमेंट है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है. पर जो फ्रेश आप करने जाएंगे, फ्रेश जो आपके प्लान्स बनेंगे, वो काफी कुछ इन्फ्लुएंस जरूर हो जाते हैं. तो सब मेरा आंसर ये एक लाइन में होगा कि पहले आप देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में आप इम्पैक्ट देखेंगे, फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एरियाज में, डिपेंडिंग ऑन पॉलिसीज कैसी होती, मैन्युफैक्चरिंग की मान लीजिए पॉलिसीज क्या होंगी, सर्विसेज, इमिग्रेशन से जुड़ी हुई कैसी पॉलिसी आउटलुक है, उस हिसाब से आप 2021 में आप प्ले होते हुए नजर आएंगे.
आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कुल मिलाकर लिवाली तेज रही है। वैश्विक स्तर पर फैक्ट्री उत्पादन में बढ़ोतरी संबंधी आंकड़ों का निवेशकों पर अच्छा प्रभाव देखा गया। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के विजयी होने की उम्मीदों में चीन सहित अन्य क्षेत्रीय शेयर बाजारों में उत्साह दिखा। गौरतलब है कि अमरीका में पिछले महीने के आखिरी सप्ताह में उम्मीद से बेहतर विनिर्माण गतिविधियों में तेजी आने के आंकड़े सामने आए हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया और चीन से भी ऐसे ही उत्साहजनक सुधार के संकेत दिखे हैं। इन सबका एशियाई बाजारों पर अनुकूल असर पड़ा और सूचकांक लगभग 1.5% मुनाफे में रहे। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 2.2% लाभ में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 2% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.9% फायदे में रहा। जापान का निक्केई 225 सूचकांक और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स दोनों 1.4% लाभ में रहे। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी अच्छी खासी लिवाली चल रही थी। अंतरदिवसीय कारोबार में लंदन का फुटसी 100 और जर्मनी का डैक्स दोनों 1.7% ऊपर कारोबार कर रहे थे, जबकि फ्रांस का कैक 40 1.9% बढ़त में चल रहा था। If you look at the US market, the three major US stock indices closed higher yesterday after logging their biggest weekly decline since March last week. The key US stocks added on the eve of the US presidential election amid encouraging economic data and company results. The Dow Jones Industrial Average surged 1.6%. The S&P 500 climbed 1.2%, while the Nasdaq Composite Index added 0.4%. Briefly, Udayan, we are seeing UK has had a national lockdown announced for a month, and many of the other European countries are having night curfews, and the numbers in France and other countries are surging. Do you see that as a major headwind for recovery in the world? It would be a blip, Ravi, because nobody's shutting down economic activity. They're not doing what they were doing in April, March. So we should not be too worried. Once the infections come down a little bit, they get a handle in about 4 weeks, then things will again ease up. All right. So on that positive note, let's look at the oil markets. And the oil prices today gained amid reports that OPEC plus countries may delay a planned easing of output cuts. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $40.40 per barrel, while WTI crude prices were around $38.20 per barrel. चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है। सोने का मूल्य आज 55 रूपये बढ़ा, 50,735 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। उधर चांदी 170 रूपये उछलकर 61,780 रूपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। सोने का मूल्य थोड़ा सा बढ़ा है, $1,901.60 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी थोड़ी सी मजबूत होकर $24.40 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गई। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको उदयन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू उदयन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव ऑन मार्केट मंत्रा एंड डिस्कसिंग द डेज डेवलपमेंट्स इन द इकोनॉमिक मार्केट्स। बिफोर वी क्लोज दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा, रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। Government says no service charge is applicable on 60 crore basic savings bank deposit accounts, including more than 41 crore Janadhan accounts. Equity benchmarks log gains amid jump in global stocks. Sensex regains the 40,000 mark. Nifty reclaims the 11,800 level. And stocks across Asia and Europe surge as improving global factory activity data boosted investor sentiment. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.